तो इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। वैशाली जिले के महुआ नगर परिषद में सफाई के नाम पर लूट और खसोट हो रही। वैशाली जिले के महुआ नगर परिषद में साल 2021-22 में महुआ नगर परिषद कार्यालय के द्वारा हर महीने 11,75,000 रुपया साफ सफाई, डोर टू डोर और कचरा संग्रहण के लिए टेंडर निकाला गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि वर्ष 2021 की बात करें तो प्रति माह 11,75,000 का काम करने वाले लोगों को भुगतान किया जा रहा था। जी हाँ, ये टेंडर सफल एजेंसी से महुआ नगर परिषद के सभी 25 वार्डों में 4 टिपर, 3 ट्रैक्टर और लगभग 80 मजदूर से काम करवाया जा रहा था। तो वही साल 2022 और 23 की बात करें तो साल 2022-23 में महुआ नगर परिषद के द्वारा निकाली गई जो निविदा यानी टेंडर का जो नियम और शर्त रखा गया, जो कि किसी खास एजेंसी को काम आवंटित हो सके। जी हाँ, आपको बताते चले कि यहाँ से सफल निविदा दत्ता का उसी काम के लिए प्रति महीना 27,80,000 का आवंटित किया गया था। जी हाँ, गौर से सुनिएगा, प्रति महीना 27,80,000 का आवंटित किया गया महुआ नगर के सभी 25 वार्डों के लिए। आपको बता दें कि इसमें 3 ट्रैक्टर, 4 टिपर और 85 मजदूर से काम करवाया जा रहा है। कुल मिलाकर हर महीने 16,00,000 रुपये का जो लूट और खसोट किया जा रहा है, 16,00,000 रुपया हर महीने का जो बंदर बांट किया जा रहा है, इसका जवाब महुआ नगर परिषद की जनता चाह रही है। महुआ नगर परिषद के सभापति, कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर और कार्यरत एजेंसी से सबसे बड़ा सवाल जनता का है, आखिर इतने पैसे की जरूरत क्यों पड़ी। विभाग को आपको बता दे कि इन टेंडर के पैसों का जो बंदर बांट किया जा रहा है, जनता एक एक पैसे का जवाब मांग रही है और किसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। अगर ये सूत्र सही हैं तो विभाग पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें सभापति, कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर एवं कार्यरत एजेंसी का जवाब देना ही पड़ेगा।